हर हर महादेव। एक पंडित जी ने प्रश्न किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं बतलाया है, तो वे पूछ रहे हैं कि एक सुप्रसिद्ध कथावाचक ने ऐसा बोला है कि शिवलिंग पर रोली, कुमकुम, हल्दी इत्यादि का अनुलेप नहीं हो सकता, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्या यह ठीक है? तो इस पर विचार करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि निषेध की बड़ी चर्चा है कि किसके पूजन में क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या चढ़ाने की विधि है और किसका निषेध प्रतिषेध शास्त्र करते हैं, तो इसका परिपालन अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में जिस वस्तु का निषेध नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से निषेध करके उस वस्तु का निषेध किया जाए, जबकि उसको चढ़ाने की महापुरुषों के कथनानुसार विधि हो, तो ये भी ठीक नहीं। कुछ संभार ऐसे हैं जो विधि प्रतिसिद्ध हैं, जिनकी विधि भी है और निषेध भी है, ऐसे भी कई संभार हैं। ये शिवजी की बात करते हैं तो एक बात देखिए कि जैसे कदंब का पुष्प, तुलसी पत्र, इनकी शिवजी पर चढ़ाने की विधि भी है और इनका निषेध भी प्राप्त होता है। तो विधि निषिद्ध वाले जितने भी पदार्थ हैं, तो उनका निर्णय यह है कि सामान्य रूप से उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, और यदि कोई वस्तु नहीं मिले और वे ही हों तो चढ़ा देना चाहिए। जैसे भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा पुष्प नहीं मिल रहे हैं, कदंब के ही पुष्प हैं, मुख्य रूप से भाद्रपद में कमल जो है कदंब के पुष्प का निषेध नहीं है, विधि है वो एक अलग बात है। तुलसी है, तुलसी के पत्र, तुलसी की मंजरी, तो तुलसी दल का निषेध भी है और तुलसी दल का जो है विधि भी है। तो सामान्य रूप से यदि पूजन में और पुष्पों की उपयोगिता है, तो भगवान शिव के लिए भले ही तुलसी दल का समर्पण नहीं किया जाए, लेकिन और कोई वस्तु नहीं है, तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी उपलब्ध हैं, तो तुलसी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। शालक ग्राम में तुलसी का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का पूजन कर रहे हैं, तो तुलसी का समर्पण अवश्य होना चाहिए। इसी रूप में जैसे हरिहरात्मक पूजन कर रहे हैं शिव जी का, पंचवक्त्रों के पूजन में एक भगवान है ना, विष्णु का ही मुख है भगवान के जो है, शिव जी के पंचमुखों में एक विष्णु का मुख है, तो उसमें जो है पूजन कर सकते हैं, हरिहरात्मक पूजन में तुलसी का समर्पण कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कहीं रोली और कुमकुम का तो निषेध ही नहीं देखा, जिस भी पद्धति में आप देखें तो रोली, कुमकुम, केसर, चंदन, इनका कहीं भी निषेध नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी देवता पर निषेध नहीं, चंदन का यदि किसी पर निषेध हो गया तो फिर क्या बचा? मुख्य रूप से तो चंदन और जल और पुष्प यही है पूजन में, तो कुछ नहीं हो तो चंदन गंधा समर्पित कर दे, जल समर्पित कर दे, पुष्प पत्र फल समर्पित कर दे, केवल नैवेद्य लगा दे, तब भी जो है ये जो उपचार मान लिया जाता है। तो ये रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी का, शिवजी पर अनुलेप का कहीं भी निषेध नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारे आचार्य प्रवर आद्य शंकराचार्य भगवतपाद का एक जो है स्तोत्र है श्री लिंगाष्टकम, तो लिंगाष्टक में और स्वयं आद्य शंकराचार्य भगवतपाद कहते हैं कि उसकी स्तुति करते हुए, लिंग की, शिवलिंग की स्तुति करते हुए वे कह रहे हैं, देखिए, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, कुमकुम चंदन चर्चित लिंगम, ऐसा भी जो है पाठ पढ़ा है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम और पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो ऐसे चंदन, ऐसे जो है हम शिवलिंग की जो अर्चना करते हैं, ऐसे शिवलिंग को प्रणाम करते हैं जो कुमकुम चंदन लेपित है, जो लिंग कुमकुम से चंदन से अनुलेपित है, ऐसे लिंग का हम पूजन कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी निषेध नहीं है।
बहुत से लोग ऐसा कहते रहते हैं, वो कुछ लोग मनगढ़ंत भी बात को छोड़ देते हैं ताकि लोगों में ऐसी प्रसिद्धि हो जाए, अरे ये बात तो किसी ने नहीं बताई, महाराज जी ने बतलाई है, अरे नहीं हल्दी भगवान शंकर पहने, वो ऐसा तर्क देंगे वो आपको समझ में आ जाए, वो तामसी तर्क, क्योंकि शास्त्र का जो तर्क होता है उसको तो सात्विक ही कहते हैं, और लोगों को गुमराह करके उनको समझ में आ जाए उल्टा सीधा तो वो तामसी तर्क होता है। सामान्य बात यह है कि हमारे यहाँ तीन तरीके की हर वस्तु है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो सात्विकी जो शास्त्र विचार सम्मत, धर्मशास्त्र सम्मत, सनातन धर्म के रक्षक जो तत्व हैं, जो बातें हैं, जो निर्देश हैं, जो विधि है, वे हर किसी के समझ में नहीं आते वे विधि निषेध, क्योंकि लोगों की सात्विकी बुद्धि नहीं है। तामसी और अत्यंत राजसी बुद्धि में शुद्ध सात्विकी विचारों का ठहर पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार तामसी विचारों का सात्विकी बुद्धि वालों के हृदय में ठहर पाना मुश्किल है। पर कलयुग का यह था प्रभाव है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि तामस, कलयुग में लोगों में क्या ज्यादा होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो उन्होंने बतलाया तामस अधिक और रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव देखा तो चहु बोला, ये चारों तरफ यही जो है फैला हुआ है। क्या बहुत ज्यादा तामस की मात्रा है और 10% राजस मिला हुआ है, सात्विक तत्व तो है ही नहीं कलयुग के लोगों में, तो उनके अब सात्विक की बात कहाँ से समझ में आ जाए। तो इसलिए वक्ता लोग भी वो राजसी बातों का, घुमाव फिराव वाली बातों का, कि भाई ऐसे आप जो है कच्चा बनियान पहनेंगे, ऐसी अंडरवियर ऐसे रंग की पहनेंगे तो कृपा रुक जाएगी, ऐसी पहनेंगे तो आ जाएगी, अब जा करके अपने पति को ऐसे रोटी बना करके कुत्ते के सिर पे घुमा करके पैरों से कुचल करके फिर आप उसको खिला दीजिएगा, आपके बस में हो जाएगा, कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा, ये कुत्ते को घुमा दिया ना सिर पे, और आपके पैरों ने आपने दबा दी उसे रोटी को कुचल दिया तो आपके पैरों तला दबा रहेगा वो आपका आदमी पति, और ऐसे टोटका बताए जा रहे हैं औरतों को, और औरतें भी बड़े चाव से उनको पैरों के नीचे रोटी रख करके और वो सब, क्योंकि वो तामसी प्रवृत्ति है, और ये नहीं विचार कर रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें इनकी बुद्धि सुधरे, वो सब हमारी बात माने, हम में कुछ कमी होंगी हम उनको सुधारने की कोशिश करें तो पतिदेव वैसे ही प्रसन्न रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो कुत्ते के ऊपर, काले कुत्ते के ऊपर तेल चिपड़ के घुमा के और सब उसमें लगा करके पैरों से कुचल करके और पति को खिलाना ताकि वो पति उनके अंडर में रहे। तो ऐसे लोग जो है पंडित लोग बताते हैं ये शास्त्र निर्मूलक, निरर्थक और नरक में जाने के जो रास्ते हैं, ऐसे टोटकों को बताने वाले, शास्त्र विरुद्ध विधि निषेध का चर्चा करने वाले लोगों से सावधान रहें, और प्रामाणिक बात, शुद्ध सात्विक की बात और शास्त्र की बात का ही अनुसरण करें, और उसी में समस्त सनातन धर्मावलंबियों का हित है, अन्यथा जो अहित है ये तो स्पष्ट ही। इसलिए क्या प्रमाण है हमारे पूजन में, विधि निषेध में, इसमें केवल प्रमाण शास्त्र ही है, ठीक है ना, जैसे कहा गया है ना, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कार न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, अव्यक्त मूल मनादि त्वचार निगमागम भने। वेदों की महिमा देखिए, तुलसीदास जी जब वेदों की स्तुति वर्णन करते हुए उत्तरकांड में जब वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वेद महाराज क्या कहते हैं देखिए, हमारे यहाँ वेदों की महिमा, हम यदि कोई बात प्रमाण करें कि भाई कहाँ लिखा है, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन स्वयं वेद ही इस बात को अगर स्तुति करते हुए कहें तो वे किसका प्रमाण देंगे। देखिए, हम अगर कोई बात कहते हैं, कोई भी संसार में कोई बात कहता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे जो है भगवत विषयक आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, कोई भी चर्चा हो, उसकी प्रामाणिकता के लिए हम शास्त्रों का उद्धरण देते हैं, लेकिन अब शास्त्र ही कुछ बात को कहें, शास्त्र ही स्तुति कर रहे हो, तो अव्यक्त मूल मनादि त्वचार निगमागम भने। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इसकी चर्चा कभी करेंगे, जो लंबी चौड़ी जो व्याख्या है,
तो वो वेद भगवान खुद कहते हैं निगमागम भने, ऐसा निगम और आगम कहते। तो भाई किसी ने वेदों को पूछा, तो भाई आप खुद कह रहे हैं कि स्तुति कर रहे, फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा वेदों ने कहा है। भाई हम कहें कि ऐसा वेद बदंती न दंत कथा तो चलेगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसा वेद कहते तो हमारी नजरों में आप परम प्रमाणिक प्रामाणिक हैं। लेकिन आप स्वयं कहते हैं, आप किसी दूसरे को प्रमाण को नहीं रख सकते। बोले कि नहीं नहीं, यही तो है कि हमारे लिए भी प्रामाणिक वस्तु हम ही हैं, क्योंकि दूसरा वेदों से बड़ा कोई प्रमाण है ही नहीं। तो हमें भी यदि किसी विषय का प्रतिपादन करते हुए किसी प्रमाण को रखना पड़ता है, यानी वेदों को भी ये कहना पड़ जाए कि ये बात सत्य, इसके लिए कोई प्रमाण देंगे तो वे भी वेदों का ही देंगे, वेद भी। ये है जो है वेदों की महिमा। और निरगल बात करना ये क्या है, निष्प्रमाण बात करना। इसलिए सबसे ये पुनः अनुरोध है कि शास्त्र से सम्मत विधि निषेधों का ही परिपालन और परिवर्जन करने में सबका हित सुदृढ़ है। हर हर महादेव।